हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वर्दी छोड़ बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग करते देखे गए आर्मी चीफ बाजवा, पाकिस्तान में तख्ता पलट की है अटकलें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे और भी कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तान का बजट घाटा 3 दशकों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। माली हालात के बावजूद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई बेहतर उपाय भी नहीं कर पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि हर किसी का इमरान खान के ऊपर से विश्वास खत्म होने लगा है। दोस्तों यही कारण है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने देश की राजनीति के बाद यहां की अर्थव्यवस्था में भी दखल देना शुरू कर दिया है। दोस्तों बाजवा के इस तरह से व्यापारियों के साथ की गई बैठक ने पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट की अटकलों को भी तेज कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ ही दिनों में वहां पर तख्ता पलट हो जाए। और दोस्तों यह खबर भी विश्वसनीय सूत्रों से आ रही है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन में यह खबर छपी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान जिसे मान रहा था सबसे अच्छा दोस्त, उसने ही जम्मू कश्मीर पर किया भारत को सपोर्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान जिस देश को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान बैठा था, उसने जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत को सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों पाक प्रधानमंत्री पिछले 1.5 साल में कई बार दर्शाने की कोशिश कर चुके हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लगता है कि वह भी सारी सच्चाई समझ चुके हैं। सऊदी के प्रिंस सलमान ने भारत के राष्ट्रीय सलाहकार NSA डोभाल से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर पर भारत की ओर से उठाए गए कदम का समर्थन किया है। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि NS डोभाल और प्रिंस सलमान के बीच रियाद में लंबी मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भी बातचीत हुई। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान प्रिंस ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की ओर से लिए गए फैसले को बखूबी समझते हैं। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने लोगों को दी चेतावनी, कहा ना करें LOC को पार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को अपने देश की सेना और लोगों को भारत में कश्मीरियों को किसी भी तरह का समर्थन देने के लिए नियंत्रण रेखा पार नहीं करने की चेतावनी दी है। इमरान खान का मानना है कि इससे भारत कहेगा कि आतंकवाद पाकिस्तान से संचालित होता है। दोस्तों अपने 67वें जन्मदिन पर उन्होंने ट्वीट कर युवाओं को LOC पार नहीं करने की चेतावनी दी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। तालिबान से वार्ता को लेकर पाकिस्तान पर भड़का अफगानिस्तान, बारीकी से नजर रख रहा है भारत। जी हां दोस्तों, अफगान तालिबान के एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। इसको लेकर अफगानिस्तान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि ये तालिबान पाकिस्तान वार्ता क्यों हो रही है। हमारे सहयोगी चैनल वियोन से बात करते हुए सादिक ने कहा कि स्थायी शांति का समाधान अफगानिस्तान में ही है। पाकिस्तान द्वारा तालिबान की इस तरह की मेजबानी सिर्फ उन्हें अफगान सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा दोगला राष्ट्र है। वह सिर्फ अलगाववादी शक्तियों को ही समर्थन देता है। भारत में कश्मीर को अलग करना चाहता है, भारत से ही वह सिक्कों को खालिस्तान के रूप में अलग करना चाहता है, अफगानिस्तान को वह तालिबान के रूप में अलग करना चाहता है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है और वह क्या चाहता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्याज की घटती कीमतों ने आंसू पोंछे, अब टमाटर हुआ और लाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए उपायों के बाद प्याज की महंगाई पर तो लगाम लग गया है, लेकिन अब टमाटर का दाम बेकाबू हो गया है। दोस्तों बीते 10 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर का दाम 1.5 गुना बढ़ गया है, जबकि एक पखवाड़े में टमाटर का भाव दुगने से भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों दिल्ली में लोगों को एक किलो टमाटर की कीमत 80 रुपए से ज्यादा चुकानी पड़ रही है, जबकि दोस्तों एक पखवाड़े
पहले दिल्ली में टमाटर केवल 30 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। दोस्तों, प्याज के दाम को काबू करने के लिए सरकार ने जब से इसके निर्यात पर रोक लगाई है और थोक व खुदरा व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय की है, तब से प्याज का भाव गिर गया है। हालांकि दोस्तों, टमाटर के भाव में अभी बढ़ोतरी जारी है। इसके बाद दोस्तों, रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रेलवे बदल चुका है टिकट से जुड़ा यह खास नियम, अब जेब में आईडी प्रूफ रखने की नहीं है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो टीटीई आपसे टिकट के साथ एक आईडी प्रूफ भी जरूर मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में सफर करते वक्त आप अपना आईडी प्रूफ घर ही भूल गए होंगे। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है तो अगली बार से आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका स्मार्टफोन अब इस मुसीबत से आपको बचा सकता है। दरअसल दोस्तों, कुछ महीने पहले ही भारतीय रेलवे ने एक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी थी कि डिजिटल फोन में भी आपका आईडी प्रूफ मान्य होगा। आप अपना आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर नाम की एक एप्लीकेशन में स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह ऐप केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल कर रख सकता है। इसके बाद दोस्तों, रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच, रोहित शर्मा का एक और बड़ा कालनामा, एक ही मैच में 2 शतक लगाने वाले छठे भारतीय बने। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में गजब की वापसी की है। उन्होंने विशाखापट्टनम में खेले जा रहे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों के एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जमाया है। दोस्तों, रोहित शर्मा ऐसे करने वाले सिर्फ छठे भारतीय क्रिकेटर हैं। वहीं दोस्तों, बात करें ओपनरों की तो वह दुनिया के ऐसे पहले ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहले मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हों। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चंद्रमा पर आज से पड़ने लगेगी सूरज की रोशनी, इसरो फिर शुरू करेगा लैंडर विक्रम की खोज। जी हां दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चांद की सतह की खींची गई तस्वीर जारी की है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे की इस तस्वीर पर चंद्रमा की सतह बेहद साफ नजर आ रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगा रहा है और यह 7.5 साल तक काम करता रहेगा। एक अच्छी खबर दोस्तों यह है कि चंद्रमा पर सूरज की रोशनी आज से पड़ने लगी है। इसरो को उम्मीद है कि इससे लैंडर विक्रम में फिर जान आ सकती है, उसमें मौजूद सोलर पैनल फिर काम करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोवर प्रज्ञान अभी भी विक्रम के साथ ही है। आगे जानते हैं दोस्तों मौसम की जानकारी, लेकिन दोस्तों इस खबर को पूरा देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक ही हमारी मेहनत का फल है और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, बिहार सहित कई राज्यों में जारी भारी बारिश की चेतावनी। बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां बारिश आफत का सबब बनी हुई है, वहीं दिल्ली में गुरुवार को हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, मराठवाड़ा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बिजली के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। दोस्तों, आगे जानते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दूसरे दिन भी कटौती की गई है, जिससे त्योहारी सीजन में आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 18 पैसे सस्ता होकर 74.33 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं डीजल के दाम 9 पैसे सस्ता होकर 67.35 पैसे पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में तेल के दामों में अब कटौती शुरू होने से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। दोस्तों, आगे जानते हैं सोने और चांदी के दाम। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी के चलते सोने की कीमतों में फिर से तेजी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 210 रुपए बढ़कर 39,075 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत 110 रुपए गिरकर 46,490 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का, जो अगर आप यूज कर रहे हैं प्लास्टिक तो आपको खानी पड़ सकती है जेल की हवा और देना पड़ सकता है 1,00,000 रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ 2 अक्टूबर से पूरे देश में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों
लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों में पॉलिथीन थैली के स्थान पर कपड़े या कागज की थैली के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप भी प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना और कपड़े और कागज के थैले को इस्तेमाल करें और इस खबर को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, पीएमसी बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का बड़ा बयान। जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली मजबूत और स्थिर है। उन्होंने कहा कि किसी एक सहकारी बैंक में किसी घटना को लेकर पूरी सहकारी बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना गलत है। रिजर्व बैंक ने एक सहकारी बैंक में गड़बड़ी तथा उस पर केंद्रीय बैंक की पाबंदियों के बीच ये बात कही है। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद संवाददाताओं से कहा, जहां तक रिजर्व बैंक की बात है तो मैं ये बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और सुव्यवस्थित है तथा किसी प्रकार की घबराने की कोई भी बात नहीं है।